आप अपने सिस्टम से क्या उम्मीद करते हैं? न्यूनतम इतना कि रात को सोएं तो सुबह सही सलामत जागने का भरोसा रहे। उम्मीद करते हैं कि देश में कभी कोई उपद्रव या अशांति हो तो कुछ दिनों में खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा देश मिले जहां हिंसा के चलते पहले आपके दादा को रिफ्यूजी बनना पड़ा, फिर पिता को और फिर आपको, और तब भी ये उम्मीद नहीं कि आपके बच्चों को ये दिन ना देखना पड़े, क्या आप ऐसे देश में जीना चाहेंगे जहां राष्ट्रपति के गुंडे निशानदेही के लिए आपके घर के मुख्य दरवाजे पर क्रॉस बना दें, प्रोटेस्ट में शामिल होने वालों के सर काटकर सीने पर गोद दिया जाए कि गद्दारों का अंजाम यही होगा? सोचिए कोई ऐसा देश हो जहां के सिक्योरिटी मिनिस्टर का निकनेम हो आई विल किल यू। क्या हम में से कोई भी ऐसे मुल्क में एक मिनट भी रहना चाहेगा? लेकिन फर्ज करिए कि जिनसे बचने के लिए आप देश छोड़कर भागे हों वो उस नए देश में भी आपका पीछा ना छोड़ें, वहां की सरकार और पुलिस के साथ मिलकर टॉर्चर जारी रखें। ये सारी खौफनाक कल्पनाएं एक देश में सच हो रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और ये है ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। अब जिसका जिक्र किया उसका विस्तार। पूर्वी अफ्रीका में एक झीलों का इलाका है, कई बड़ी बड़ी झीलें, इसको कहते हैं द ग्रेट लेक्स रीजन। इस हिस्से में बसा एक छोटा सा देश है बुरुंडी। इस लैंडलॉक देश के उत्तर में है रवांडा, पूरब में तंजानिया, पश्चिम में कॉन्गो और दक्षिण पश्चिम सरहद के पास है टैंगनिका झील। बुरुंडी में कबीलाई बसाहट है। दो मुख्य कबीले हैं यहाँ पर, हूतू और तुत्सी। हूतू बहुसंख्यक हैं, तुत्सी अल्पसंख्यक हैं। हूतुओं का अधिकतर काम खेती गृहस्थी से जुड़ा था और तुत्सी ये मवेशी पालन करते थे। कृषि आधारित समाज में मवेशी संपन्नता की निशानी है। ऐसे में तुत्सी अल्पसंख्यक होकर भी पारंपरिक तौर पर ज्यादा प्रभावशाली रहे और इसी के चलते 17वीं सदी में अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय का किंगडम यहां पर सत्ता में आया। फिर 19वीं सदी में साम्राज्यवादी जर्मनी पहुंचा, उसने भी अपने फायदे के लिए तुत्सी किंगडम को बरकरार रखा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी हारा, उसकी यहां से भी छुट्टी हुई और बुरुंडी आ गया बेल्जियम के संरक्षण में। जर्मनी की तरह बेल्जियम ने भी सोचा कि राज करना है तो नस्लीय बंटवारे को हवा देते रहना होगा। इसके लिए उन्होंने तुत्सियों से हाथ मिलाया और उनके सहारे बहुसंख्यक हूतू समुदाय का शोषण करते रहे। लेकिन 20वीं सदी में आकर साम्राज्यवाद के दिन पूरे हो गए। 1962 में बुरुंडी बेल्जियम से आज़ाद हो गया। शुरुआती चार बरस यानी 1962 से 1966 तक राजशाही बनी रही। इस दौर में राजा थे किंग मवांबुत्सा चतुर्थ, तुत्सी समुदाय के थे। फिर यहां पर तुत्सी बनाम हूतू की लड़ाई शुरू हो गई। चार साल के अंदर ही हूतू नस्ली हिंसा के शिकार होने लगे और हजारों हूतुओं को जान बचाने के लिए पड़ोसी देश रवांडा भागना पड़ा। और इसी सब के बीच आया 1965 का साल। बुरुंडी में तब तक लोकतंत्र की मांग उठने लगी थी कि राजशाही खत्म हो, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने। ऐसे में संसदीय चुनाव हुए। जाहिर है कि संख्या बल में भारी हूतुओं को मेजोरिटी मिली, लेकिन किंग मवांबुत्सा ने हूतुओं को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया और तब सामने आई सेना। आर्मी चीफ मिशेल मुकम्बेरो के नेतृत्व में सेना ने राजा का तख्ता पलट कर दिया। 1966 में इसी आर्मी चीफ मुकम्बेरो ने राजशाही खत्म की और जनता के प्रतिनिधियों के बजाय खुद राष्ट्रपति बन गया। तो बुरुंडी कहने को रिपब्लिक था लेकिन सैन्य तानाशाही थी। अब बुरुंडी के आगे दो रास्ते थे। पहला, पिछली कड़वाहट जो थी दोनों समुदायों के बीच उसको भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करें, या फिर एक रिग्रेसिव विकल्प था कि बुरुंडी बदलापुर में तब्दील हो जाए। बुरुंडी ने यही दूसरा रास्ता चुना और इसकी वजह यह थी कि रिपब्लिक बनने के बाद भी हूतुओं को सत्ता नहीं मिली थी। तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बने आर्मी जनरल मुकम्बेरो तुत्सी समुदाय के थे। ऐसे में हूतुओं ने बगावत जारी रखी। जितना सर उठाते सरकारी क्रूरता उतनी बढ़ती। सरकारी सेनाओं ने लाखों हूतुओं का नरसंहार किया। दमन से बचने के लिए उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। तीन दशक तक यानी 70, 80 और 90 ये सिलसिला चलता रहा। उधर राज्य में तख्ता पलट, हिंसा, दमन, तुत्सियों के हाथों हूतुओं का नरसंहार, ये सब भी चलता रहा। फिर आया 1992 का साल। इस बरस बुरुंडी को मिला एक नया संविधान। इसमें वन पार्टी सिस्टम खत्म कर दिया गया था, बहुदलीय व्यवस्था लाई गई थी जैसी हमारे देश में है। जून 1993 में चुनाव हुए और इस बार जीतकर राष्ट्रपति बने मेल्कियोर नदादाए। ये पहली बार था जब बुरुंडी में जो मेजॉरिटी में लोग थे, बहुसंख्यक थे यानी कि हूतू, उनकी सरकार बनी। हूतू खुश थे, उन्हें लगा अब दिन सुधरेंगे, पर खुशी ज्यादा दिन चली नहीं। अपने हाथ से सत्ता चले जाने की बौखलाहट में तुत्सी समुदाय के लोगों ने अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति मेल्कियोर की हत्या कर दी।
उनके सपोर्टर्स ने इसका बदला लेने के लिए तुत्सियों को मारना शुरू कर दिया। पूरे देश में बड़े स्तर पर मारकाट शुरू हो गई जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1994 में फिर नई सरकार बनी। संसद ने साइप्रिन नतरामिरा को राष्ट्रपति चुना। ये भी हुतू थे। साइप्रिन को प्रेसिडेंट बने 2 ही महीने हुए थे कि उनकी भी हत्या कर दी गई। आप समझिए, 2 राष्ट्रपति बैक टू बैक सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के भीतर पॉलिटिकल असैसिनेशन का शिकार हुए। इसके बाद फिर से तख्तापलट, सिविल वॉर, मारकाट और पलायन। बुरुंडी में बस इतना बदला था कि अब तुत्सियों का भी संहार हो रहा था। हूतू भी आपस में लड़ने लगे थे। उनके बीच कई विद्रोही गुट हो गए थे। उनकी भी अपनी पॉलिटिक्स थी। सत्ता में जो आदमी बैठा था वो हूतू था। इससे भी इन विद्रोही कबीलाई गुटों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन्हीं झगड़ों के बीच नई सदी आ गई। अफ्रीका के बाकी देश किसी तरह बुरुंडी को शांत करना चाहते थे। बहुत बीच बचाव के बाद नवंबर 2003 में एक शांति समझौता हुआ। इसमें एक तरफ थे राष्ट्रपति डोमितियेन एंडीजाई और दूसरी तरफ था सबसे बड़ा हूतू विद्रोही गुट FDD, यानी फोर्सेस फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इसके साथ ही बुरुंडी में सिविल वॉर भी खत्म हुआ। जून 2005 में चुनाव हुए जिसमें जो हूतू रिबेल ग्रुप था FDD वो जीत गया और इसके मुखिया पियर नकुरुंजिजा देश के राष्ट्रपति बन गए। क्या बुरुंडी के हालात सुधरे? अभी भी नहीं सुधरे। शुरुआती कुछ दिनों तक चीज़ें ठीक चलीं, लेकिन फिर नकुरुंजिजा ने बुरुंडी को पुलिस स्टेट बना दिया। हालात ज़्यादा बिगड़े 2015 में। इस साल बुरुंडी में चुनाव होने थे। संविधान कहता था कि एक आदमी अधिकतम 2 टर्म प्रेसिडेंट रह सकता है, लेकिन नकुरुंजिजा ने कहा कि मैं 3री बार भी चुनाव लड़ूंगा। इसके खिलाफ बुरुंडी में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई। सरकार विरोध प्रदर्शनों को कुचलने लगी। कैसे? जो विरोध में जाता उसकी मार्किंग की जाती और फिर उन पर कहर बरपता। आतंक फैलाने वालों में एक बड़ा नाम था इम्बोने राकुरे का। ये नकुरुंजिजा की CNDD पार्टी का यूथ विंग है। ये लोग प्रोटेस्ट में शामिल लोगों के दरवाजों पर लाल पेंट से क्रॉस का निशान बनाते। ये रेड क्रॉस पुलिस समेत बाकी फोर्सेस के लिए संकेत होता कि इस घर को टारगेट करना है। कभी किसी का सरकटा शरीर मिलता, कभी सामूहिक कब्र। इस दमन और नस्ली हिंसा से बचने के लिए एक बार फिर हजारों हजार लोग बुरुंडी से पलायन करने लगे। राष्ट्रपति नकुरुंजिजा पर जैसे किसी चीज का कोई असर ही नहीं था। उन्होंने असंवैधानिक तरीके से क्रूरता के दम पर सत्ता अपने पास रखी। 2017 में उन्होंने बुरुंडी की जनता पर एक नया टैक्स भी लाद दिया। इसका नाम था इलेक्शन टैक्स। इसकी वसूली का काम, यानी इस टैक्स की वसूली का काम यूथ विंग का था। वो दिन भर डंडा हाथ में लिए गली मोहल्लों में घूमते, एक एक आदमी से कई दफा टैक्स वसूलते। समझिए कि बुरुंडी की सरकार रंगदारी और जबरन उगाही का धंधा चला रही थी, वो भी उस देश में जो दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में गिना जाता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उसकी 75% आबादी चरम गरीबी में रहती है। आधे से ज्यादा बच्चे भीषण कुपोषण का शिकार हैं। और इन सब के बावजूद अवैध राष्ट्रपति नकुरुंजिजा दावा कर रहा था कि वो बुरुंडी के सनातन मार्गदर्शक हैं, उन्हें खुद ईश्वर ने नियुक्त किया है। और आपको पता है इस नकुरुंजिजा का अंत कैसे हुआ? उसकी कहानी खत्म की कोरोना ने। 8 जून 2020 को खबर आई कि नकुरुंजिजा गुजर गया। इसके बाद राष्ट्रपति बने एवरिस्टे नदायशिमिये। ये भी नकुरुंजिजा की ही पार्टी के हैं। नकुरुंजिजा अपने जीते जी ही इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाए गए थे। मई 2020 के एक फर्जी चुनाव में इनके जीतने का तमाशा भी किया गया। प्रोग्राम ये था कि अगस्त 2020 में नकुरुंजिजा गद्दी छोड़ेंगे और नदायशिमिये सत्ता हासिल करेंगे। इसके बाद नकुरुंजिजा पर्दे के पीछे रहकर कठपुतली सरकार चलाने वाले थे, लेकिन कोरोना ने उनकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। क्या नदायशिमिये यानी बुरुंडी के नए शासक बेहतर राष्ट्रपति हैं? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि नहीं, ये आदमी भी नकुरुंजिजा की तरह ही है। इसकी वजह क्या है? इनकी की हुई एक नियुक्ति। इस आदमी का नाम सुनिए, गैरवाइस नदिराकोबुका। ये गैरवाइस नदिराकोबुका सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं। नदिराकोबुका उनका निकनेम है। बुरुंडी की स्थानीय भाषा में इस शब्द का मतलब होता है आई विल किल यू। गैरवाइस को अपने इस निकनेम से कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी क्रूर छवि को एंजॉय करते हैं। मंत्री बनने से पहले वो पुलिस के कमिश्नर थे। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों पर जो क्रूरताएं होती थी वो इन्हीं ने करवाई थी, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाए हैं। आप कहेंगे बुरुंडी का ये जो रक्त रंजित इतिहास है ये आज क्यों बताया जा रहा है? इसकी वजह है तंजानिया से आई कुछ खौफनाक खबरें। आपने सही सुना, बुरुंडी नहीं, तंजानिया से आई खौफनाक खबरें। इसके मुताबिक बुरुंडी की सरकार तंजानिया के साथ मिलकर वहां रह रहे अपने शरणार्थियों को टॉर्चर कर रही है। 2015 से अब तक करीब 500,000 लोग बुरुंडी से पलायन कर चुके हैं। इसमें से आधे तंजानिया गए, वहां शरणार्थी शिविरों में जैसे तैसे रह रहे थे। लेकिन बुरुंडी की क्रूर सरकार ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा।
तंजानियन पुलिस की मदद से वो यहाँ भी बुरुंडियन शरणार्थियों को टारगेट कर रहे हैं। रपटें ऐसी हैं कि बुरुंडी की सत्ताधारी CNDD पार्टी की यूथ विंग के लोग तंजानिया जाकर इनको किडनैप करते हैं और फिर छोड़ने के एवज में परिवार से मोटी फिरौती मांगते हैं। जिसने फिरौती दी वो बच गया, जिसके पास पैसा नहीं वो टॉर्चर होता रहेगा। किस तरह का टॉर्चर? छत से उल्टा लटकाकर पीटना, बिजली का झटका देना, प्राइवेट पार्ट्स में मिर्च रगड़ना। शरणार्थियों के लिए UN की एक एजेंसी है HRW, ह्यूमन राइट्स वॉच। इसके मुताबिक तंजानिया के शरणार्थी शिविरों से कई बुरुंडियन शरणार्थी इसी तरह गायब कर दिए गए। खबर ये भी है कि तंजानिया इन शरणार्थियों को डरा धमका कर जबरन बुरुंडी भेजने में लगा है। 2 वर्षों में करीब 50,000 शरणार्थी इसी तरह वापस भेजे गए। शरणार्थियों का कहना है जिनसे बचकर भागे थे वही अब पावर में हैं, ऐसे लौटकर बुरुंडी में आना तो सजा ही है। शरणार्थियों की इस दशा पर क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप है? जानकार कहते हैं कि बुरुंडी के इन शरणार्थियों की दुनिया में किसी को नहीं पड़ी। UN का कहना है इंटरनेशनल कम्युनिटी इन लोगों को जैसे भुला चुकी है। ये शिकायत सही भी है। अभी 8 दिसंबर को खबर आई कि सिक्योरिटी काउंसिल ने बुरुंडी को अपने पॉलिटिकल एजेंडे से हटा दिया। इसका मतलब बुरुंडी के हालात अब उन्हें इतने खराब नहीं लग रहे कि उस पर बात की जाए। इस बारे में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी बयान दिया, कहा कि बुरुंडी के हालिया चुनाव शांतिपूर्ण रहे, इससे बुरुंडी में एक नया दौर शुरू हुआ। इस घटनाक्रम का मतलब 2014 से जब बुरुंडी में हालात दोबारा बिगड़े तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने निंदा की, बहिष्कार करना शुरू कर दिया, मदद और फंडिंग बंद कर दी। UNSC के ताज़ा फैसले के बाद बुरुंडी का आइसोलेशन खत्म हो जाएगा और इससे वहाँ की सरकार खुश है कि वापस से पैसे मिलने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने इसे महान फैसला बताया। पर यहाँ एक विरोधाभास है। UN की ही एक संस्था है सुरक्षा परिषद, उसे बुरुंडी में हालात ठीक लग रहे हैं, जबकि सितंबर 2020 में जारी UN वॉचडॉग की रिपोर्ट कहती है कि बुरुंडी में मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है, यौन हिंसा और हत्याएं भी जारी हैं। इसके अलावा UNSC जिस चुनाव को शांतिपूर्ण बता रहा है उसे बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं धांधली से भरा बता चुकी हैं। किस तरह की धांधली? इंटरनेशनल मीडिया की रपटों के आधार पर अगर आपको बताएं तो ऐन मौके पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी नेशनल कांग्रेस फॉर फ्रीडम के 600 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। मीडिया को फ्री रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को देश में नहीं घुसने दिया गया। चुनाव वाले दिन सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स ब्लॉक कर दिए गए। वोटरों को डराकर मनमर्जी से वोट डलवाए गए। बूथ कैप्चरिंग भी हुई। रूलिंग पार्टी की यूथ विंग के गुंडे पोलिंग बूथ पर लोगों के वोटर कार्ड छीनकर वोट डालते दिखे। जून 2020 में इसी चुनाव पर HRW की रिपोर्ट भी आई थी। इसमें लिखा था कि बुरुंडी इलेक्शंस में दमन के गंभीर आरोप हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, और अब ऐसे ही इलेक्शंस को UNSC शांतिपूर्ण बता रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय उदासीनता के बीच बुरुंडी की जनता पीढ़ियों से शरणार्थी बनने को मजबूर है। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। कई बार क्या होता है कि छोटे देशों की बड़ी समस्याएं बड़े शोर के बीच थम जाती हैं। दुनियादारी में ऐसा नहीं होता। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। सुर्खियों में पहला नंबर चीन का। अंतर्राष्ट्रीय संस्था HRW ने यहां के उइगरों पर नई रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक चीन की सरकार डेटा प्रोग्राम के जरिए उइगरों को टारगेट कर रही है। लोग बिना कुछ किए केवल मुस्लिम युवा होने के चलते डिटेंशन कैंप में भेजे जा रहे हैं। अपराध होने से पहले ही बस अनुमान के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। HRW के मुताबिक उसे कैदियों की एक लीक हुई लिस्ट से यह जानकारी मिली। इसमें करीब 2000 उइगरों के नाम और समूचा ब्यौरा था। यहां तक लिखा था कि पकड़ा गया आदमी घर का पिछला गेट इस्तेमाल करता है कि अगला। अगली सुर्खी इराक से। यहां कुर्द क्षेत्र में प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और इसका बड़ा मुद्दा है पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को देर से मिल रही तनख्वाह। प्रदर्शन की शुरुआत सुलेमानिया शहर में हुई, अब यह उत्तर पूर्वी शहरों की तरफ फैल रहा है। नाराज भीड़ ने कई जगह आगजनी की, राजनीतिक दलों के मुख्यालयों और इमारतों को भी फूंका। प्रशासन भी सख्त है, अब तक 6 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। UN ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा न करने की अपील की। अगली सुर्खी अमेरिका से। चुनाव के नतीजों का बवाल खत्म ही नहीं हो रहा। ट्रंप खुद को अब भी विजेता बता रहे हैं। अब इस लड़ाई में टेक्सास प्रांत भी कूद गया। उसने ट्रंप की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। ये केस किया गया है जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन प्रांतों पर। टेक्सास का दावा है कि ये चारों कथित वोटिंग फ्रॉड को रोकने में नाकाम रहे। टेक्सास के इस कदम की वजह से रिपब्लिकन लीडरशिप टेक्सास में परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि यहाँ पर उनकी ही सरकार है। आज की दुनियादारी में इतना ही। सांस्कृतिक विविधताएं खूबसूरत होती हैं, इनसे बिदकने की जगह, हर किसी पर अपनी संस्कृति थोपने की जगह वैरायटी का सौंदर्य समझिए। यही वैरायटी हमारे इस देश को, आइडिया ऑफ इंडिया को यूनिक बनाती है। दुनिया भर की खबरें सुनाता हूँ ताकि हमारी दुनियादारी, हमारी समझ बेहतर हो। शुक्रिया, शुभ रात्रि, उम्मीद है
फिर मुलाकात होगी। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।